एवरीवन, यहाँ पे हम लेके आए हैं नया टॉपिक वायरसेस। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आपको पता है वायरसेस तो इतने छोटे होते हैं, इसको आप नेक से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर वायरस का। अब वायरसेस आप बात करें, आपको पता है जो कोरोना वायरस था वो भी क्या है, एक वायरसेस ही था। ऑफकोर्स वायरस के साथ नाम जुड़ा है और उसमें जेनेटिक मटीरियल क्या था उसका, जो इन्फेक्ट करता था हमें, आरएनए। तो इस तरह से हम आगे इसमें मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक में। तो जो वायरसेस हैं इसका अगर मेन मेन क्या है, विनो मतलब जहर है, एक पॉइजनस फ्लूइड है। जब ये किसी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं पॉइजन रिलीज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, उस बॉडी को, उस सेल को क्या कर सके, इफेक्ट या कोई डिजीज उससे कास करवा सके। अब ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इवन बाय टचिंग, ठीक है। आप देखते थे कोरोना के टाइम हम क्या करते थे, मास्क पहले डाल के रखते थे, वी कवर ऑल अवर माउथ बाय द मास्क दैट द नेक्स्ट पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड बाय द सेम वायरस एज वी आर इन्फेक्टेड दैट टाइम। तो ये वायरसेस इतने ज़्यादा फिल्ट्रेट इन नेचर होते हैं कि ये इतनी इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इतनी जल्दी ये क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं और इनको हम ऐसे नहीं रोक सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। और अगर हम बात करें आउटसाइड द लिविंग सेल, जब ये बॉडी सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, किसी होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये कैसे होंगे, इनर्ट। इनर्ट मतलब डेड और नॉन लिविंग। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट होंगे, जो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जो इन्फेक्ट करता है एक होस्ट सेल को, वो क्या होता है, या तो वो डीएनए होगा या तो वो क्या होगा, आरएनए होगा, लेकिन बोथ प्रेजेंट नहीं होते। इसमें आपको ये याद रखना है कि बोथ प्रेजेंट नहीं होते हैं वायरस में, या तो क्या होगा डीएनए प्रेजेंट होगा या तो क्या होगा आरएनए प्रेजेंट होगा वायरसेस में। ये क्या है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल ही इसका क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। स्ट्रक्चर की बात करें हमें, इसकी स्ट्रक्चर देखो, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, प्रोटीन कोट से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड्स। कैप्सिड्स भी अलग ये कैप्सिड अलग से सब यूनिट से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स। जो कैप्सोमेयर्स है वो यूज ये अरेंज होते हैं इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में या स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, जो प्लांट है और जो एनिमल्स हैं दोनों इफेक्टेड होते हैं इन वायरसेस से। अब जो प्लांट से जो वायरसेस अफेक्टेड होते हैं वो यूजली कैसे होते हैं, नेचर में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और जो एनिमल इफेक्टेड होते हैं वायरसेस से ये इधर तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे या ये क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जो वायरसेस डिजीज कास करते हैं इन एनिमल्स में वो कौन कौन सी होती हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, एड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आ गई, इवन की कोरोना वायरस, ये सारी एग्जाम्पल आ गई वायरसेस में। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल इन प्लांट्स, इन कौन कौन से ये वायरसेस क्या क्या करते हैं, रीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, वेन जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं, वेन लेट्स, वो सारी उसमें क्या हो जाती हैं, होती ही नहीं है, क्लियर कर देता है। और इसके अलावा उन प्लांट्स की कैसी होती है, ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो ये था सारा हमारा वायरसेस के बारे में। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, और ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को या मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे ज़्यादा बढ़ाएं। तो यही है मेरी आपसे रिक्वेस्ट, थैंक्स अ लॉट।